तो ये जली है हमारी अंगीठी। मतलब माँ बेटी का जो फोटो देख रहे हैं ना, ये हमारी 9 साल पुरानी फोटो है और आज इसको देख के ना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। आजकल ना धूप में ही रहने का मन कर रहा है, मतलब इतनी अच्छी लग रही है ना धूप। तो हमारी वाली जो रोड है वो भी पक्की बन गई है, यानी कि जो डामर था वो काम चल रहा है आजकल। तो खूबसूरत सा पहाड़ों का अभी नजारा देखने को मिल रहा है। तो जी, एक नए दिन में फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से नज़ारों के साथ। तो आजकल ना मौसम काफ़ी बदल चुका है, मतलब यानी कि सुबह शाम बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, लेकिन दिन में तो अच्छी खासी धूप है। तो चलिए फिर आज के जो ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ ना, वो मैं अपने ऑफिस वाले रूट से कर रही हूँ, यानी कि मैं ऑफिस पहुँच चुकी हूँ। तो घर से तो ऐसे ही होता है थोड़ा जल्दीबाजी, और आज मैं ना बहुत दिनों बाद अपने ऑफिस जा रही हूँ। आज ऑफिस में ही काम होगा और उसके बाद लंच भी ऑफिस में ही होगा। तो चलिए फिर आज के नए दिन की शुरुआत करते हैं। प्रणाम नमस्कार पहला सभी को। तो आशा करती हूँ कि सभी सही होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी ना मतलब आजकल पहाड़ों में मतलब इस बार थोड़ा ठंड जल्दी स्टार्ट हो चुकी है, मतलब ठंडा ही हो रहा है सब, पता नहीं क्यों, क्योंकि हिमाचल और इधर केदारनाथ साइड में बर्फबारी भी हो गई है, तो उसकी वजह से भी शायद इतना ज़्यादा इस बार ठंड बढ़ गया है। तो चलिए फिर देखते हैं आज के दिन में जो जो होगा। फिलहाल मैं आ गई हूँ अपने सारे तामझाम लेके। तो चलिए फिर, ऑफिस का तो थोड़ा सा ऐसा रहता है ना कि थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, तो जितना भी टाइम होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी, तो बने रहिए। और आजकल पहाड़ों के मौसम की बात करें ना, मतलब जितना सुंदर नज़ारा आज तक लगता था, थोड़ा सब जगह हरियाली हरियाली, तो अब थोड़ा सा पीलापन आने लग गया, यानी कि पतझड़ का टाइम आ रहा है, तो थोड़ा सा पहाड़ ना कम मतलब पीले पीले टाइप के दिखाई दे रहे हैं आजकल। लेकिन फिर भी पहाड़ कोई भी मौसम हो ना, हर मौसम में बहुत प्यारे लगते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी आगे। और जो हमारा वाला कैंपस है ना, ये भी काफ़ी ठंडा रहता है, क्योंकि इसके आसपास सारे ना बांज के इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, तो जिसकी वजह से बहुत ठंडा होता है। तो आजकल हम अंगीठी का सहारा लेते हैं। तो चलिए फिर ऑफिस में मिलते हैं आपको। तो ये जली है हमारी अंगीठी, और अभी हो गया है लंच टाइम, तो लंच के लिए जा रहे हैं हम नीचे। धूप अच्छी लग रही है, अभी खाना खाने के बाद ना हम लोग धूप में बैठेंगे थोड़ी देर। आजकल ना धूप में ही रहने का मन कर रहा है, मतलब इतनी अच्छी लग रही है ना धूप। तो चलिए फिर लंच करके आते हैं और फिर मिलते हैं आपको। आज बहुत दिनों बाद लंच करूँगी मैं। तो जी, अभी ना मैं ऑफिस में हूँ, और ऑफिस में आप देख सकते हैं ये है मोबाइल मेडिकल यूनिट है हमारी, यानी कि हेल्थ मोबाइल वैन है। तो इस पर ना मैं दिखाऊंगी आपको, तो ये जो इस पर हेल्प किया है SBI ने किया है, और जो ये आप फोटो देख रहे हैं ना, बेबी और मतलब माँ बेटी का जो फोटो देख रहे हैं ना, ये हमारी 9 साल पुरानी फोटो है, और आज इसको देख के ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये मेरी छोटी वाली बेटी की फोटो है, और ये पूरा मैं आपको दिखाती हूँ कि वैन का जो लुक है ना वो कैसा है। और आज बहुत टाइम बाद मैं इसको देख रही हूँ, मतलब कि मुझे पता नहीं था इस वैन में मेरी फोटो है, अचानक मेरी नज़र गई और वो 9 साल पुरानी ना यादें ताज़ा हो गई। तो इसको दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो। तो ये करती है ओखलकांडा वाले ब्लॉक पे काम, यानी कि जो ओखलडूंगा वाला एरिया है वहाँ पे हेल्थ का काम चल रहा है। तो आज यहाँ पे स्कूल में आई थी, ये कैंप था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ना वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इस वैन पे मेरी और मेरी बेटी की फ़ोटो लगी है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखो। तो ये है चिराग की हेल्थ मोबाइल वैन। तो इस पर आप देख सकते हैं ना, ये वाली जो फ़ोटो है, ये आप पहचानो, ये मेरी बेटी और मेरी फ़ोटो है, और बहुत समय पहले, यानी कि शायद 9-10 साल पहले की फ़ोटो है। तो अभी ना ये हमारी जो हेल्प वैन है, आप देख सकते हो, तो ये काम करती है ओखलकांडा वाली एरिया पे, ठीक है। तो आज ये कैंप की वजह से यहाँ आई है, और इसके जो जिन्होंने इसको हेल्प की है वो है SBI, और ये देखो।
तो आज यहाँ पे ना स्कूल में कैंप था, तो मेरी नज़र पड़ी भाई कि हमारी 9 साल पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तो ये है देखो, और पूरा मोबाइल वैन का जो है ना, मेडिकल वैन का, तो उसका मैं दिखाती हूँ आपको। ये फाइनली लुक है। और शाम का वक्त हो गया, निकलने की तैयारी। तो अभी मैं अपने ऑफिस से लौट गई हूँ, मतलब यानी कि घर आने वाले रास्ते में। तो आजकल ना हमारी वाली जो रोड है वो भी पक्की बन गई है, यानी कि जो डामर था वो काम चल रहा है आजकल, तो काफ़ी अच्छा रास्ता हो गया है, मतलब आसानी हो रही है। वरना क्या हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग हो रही थी तो लेट भी लग रहा था, और मतलब इतने बड़े बड़े पत्थर, धूल मिट्टी, बहुत ज़्यादा ये हो रहा था। तो अभी हो रहा है शाम का सनसेट और काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा है पहाड़ियों का, तो मैं वो दिखाती हूँ। तो चलिए फिर आप पहाड़ियों का नज़ारा इंजॉय कीजिए, और फिर मिलते हैं आपको सीधे घर। तो अभी देखिए शाम का सनसेट का नज़ारा, और काफ़ी सुंदर लग रहा है अभी। और ये देखिए जो हमारे घर वाली रोड है ना, ये भी आजकल नई नई बन गई है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है जाने में। क्योंकि बीच में क्या हो रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोडिंग हो गई थी, मतलब इतने बड़े रोडे वगैरह दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब रोड बहुत ही शानदार बन चुकी है, तो बहुत ही आसानी हो रही है। जहाँ पर 10 मिनट लगता था वहाँ पर 5 मिनट में पहुँच जा रहे हैं। तो इसी खूबसूरत से रास्ते के साथ देखिए खूबसूरत सा पहाड़ों का अभी नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो मैं फाइनली घर पहुंच गई हूं, और पहाड़ों में ना पता नहीं इस बार क्यों इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ रही है। तो मेरा जो काम था, मैं घर आने के बाद आपको कुछ दिखा रही हूं। तो ये जो मैंने पिछली वीडियो जब अमित साद आए थे तो उन्होंने मेरे को एक गिफ्ट दिया था, तो ये है हैंड नीटेड बैग, और इसके अंदर क्या है वो नहीं दिखाया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे गिफ्ट में क्या मिला था। तो एक तो ये बैग है, और साथ में क्योंकि मैंने घर आने के बाद ही देखा था कि इसके अंदर भी कुछ और चीज थी, तो ये है आपका वूलन स्टॉल। तो ये भी हैंड नीटेड है और काफी सुंदर लग रहा है ये, तो इसको मैं अभी ठंडियों में पहनूंगी, ये देखिए। और इतना ज्यादा गर्म है ना ये, क्योंकि पहाड़ों के लिए तो बेस्ट है, यहाँ पर बहुत ज्यादा स्नोफॉल, ठंडा, ये चीजें होती हैं। और फिर आजकल टू व्हीलर पे तो ऐसा हो रहा है ना कि बिल्कुल आपको ऐसे जैकेट, मफलर, मुंह बंद करके वो जाना ही है, क्योंकि इतना ज्यादा ठंडा हो रहा है ना अभी से। अभी नवंबर भी नहीं आया है, अभी है यहाँ पहाड़ में ठंड के 3 महीने, तो इसलिए ये वाला ना मेरे को काफी अच्छा लगा। तो अमित शाह जी का थैंक यू, उन्होंने कम समय में आके मतलब हमसे मिले, और सच बताओ ना, डाउन टू अर्थ जिसे कहना चाहिए ना, ऐसी पर्सनालिटी ना मैंने इतने करीब से और ऐसे बात करके देखी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलके। और क्योंकि ये चीज़ ना मैं उस दिन दिखा नहीं पाई थी, फिर मैंने घर आने के बाद देखा तो इस पर ये वाला स्टॉल भी था, तो इसका कलर भी काफ़ी सुंदर लग रहा है, लाइट वाला। तो आज के दिन का जो था ना मेरा ऑफिस वाला ही था, क्योंकि आज पूरा दिन ऑफिस पे ही निकल गया था, तो इसलिए फिर मैंने कहा कुछ चीज़ें ऐसे घर जाने के बाद ही ऐड कर सकती हूँ। और आज के वीडियो में इतना ही, और आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो आप लाइक कीजिए, और अगर आपके कोई सुझाव और प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से जरूर दें। तो मैं मिलती हूँ आपको अगली नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।